अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन और हज़रात, आपका मेज़बान तशरीफ़ शाहिद। अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन और हज़रात, आपका मेज़बान तशरीफ़ शाहिद आपकी खिदमत में एक दफ़ा फिर से हाजिर है और आपके लिए लेके आया एक नया व्लॉग। लेकिन इस वक्त हो रहे हैं मेरे ख्याल में 12 बजे और अभी अभी मैं कोई घंटा डेढ़ पहले उठा हूँ, सुबह 6 बजे सो के, क्योंकि रात को तो मुझे नींद आती नहीं है। 6 बजे सोया हूँ, 11 बजे उठ गया, बस यही नींद है। और अभी सोया हूँ तो अभी उठ गया हूँ तो अब पूरा दिन जागूंगा ताकि रात को जो है मैं जल्दी सो सकूँ और अपनी रूटीन पे वापस आ सकूँ, यही चाहता हूँ। और जितनी गर्मी हो रही है भाई साहब, कुछ भी खाने का दिल नहीं करता, मैंने कहा फ्रूट ही खा लिया जाए। ये मैं 2 सेकंड के अंदर भी खा सकता हूँ, लेकिन आज मैं तसल्ली के साथ, सुकून के साथ मज़े ले लेकर खाना चाहता हूँ। मुझे कोई ज़रूरत नहीं कि मैं 2 सेकंड में इसको पूरा खा जाऊँ, और मैं खा भी सकता हूँ। गर्मी इतनी है, 45 डिग्री यहाँ टेम्परेचर चल रहा है और सही पसीने निकल रहे हैं, डिहाइड्रेशन हो रही है, कमजोरी महसूस हो रही है, कुछ ना करने का कुछ दिल नहीं कर रहा, बस एक टाइम बस दिल कर रहा है बस पड़े रहो एक ही जगह पे, ये दिल कर रहा है इस वक्त। तो मैं एक वो रील देख रहा था, उसके अंदर वो एक कोई जिम के ट्रेनर है, वो बता रहे थे कि भाई साहब वो काले चने, वो जो घोड़ों वाले होते हैं, पीले पीले चने या काले चने जो भी होते हैं, एक चम्मच वो, उसके अंदर एक गिलास दूध, केले, खजूर और साथ गुड़, 15 दिन तक पियो और उसके बाद देखो वो आपको कोई भी ऐसी जो आपके अंदर की वो है नडाली वगैरह ख़त्म ना हुई तो कहना। तो मैंने कहा चलो देखते हैं, फिर शुरू करते हैं। अभी मैं जाऊँगा ये नाश्ता कर लूँ मैं खरबूजे के साथ, उसके बाद मैं वो चने वगैरह सब कुछ लेके आता हूँ अपने लिए, ताकि 15 दिन तक देखें अगर हमारी ये कमज़ोरी या ये जो बस वेला पड़ा है ना, या निडाली जिसे हम कहते हैं, वो हुई है, वो ख़त्म होती है कि नहीं। बस अभी मैं ये ख़त्म कर लूँ। मैं बताना भूल गया, ये वाला कमरा या ये दीवार आपको बहुत ज़्यादा नज़र आने वाली है, क्योंकि ये हमारा कमरा था एक टाइम पे, अब इसको एक डाइनिंग रूम बना दिया गया है जहाँ पे बैठ के हम खाना खा सकते हैं। और मेरे मोस्टली व्लॉग इसी कमरे से होंगे या इसी कमरे में होंगे या इसी कमरे में सारी बातें होंगी, क्योंकि बाकी नीचे जो है वो फैमिली हॉल है, और फैमिली को मैं अपने व्लॉग्स में लेके नहीं आऊँगा। पहले एक दो वीडियोस में मेरी मम्मा जी आ गई, बस बहुत है उतना, और मेरा मैं आऊँ, मेरे भाई लोग आए, इतना ही काफ़ी है, इसके अलावा हमारे व्लॉग में कोई भी नहीं आएगा। इन्जॉय करने दो आप मुझे कबूला। अच्छा तो यार जी, अभी सीन कुछ ऐसा है कि मैं जा रहा हूँ नमाज पढ़ने, नमाज का टाइम हो गया, आपके भाई ने नमाज शुरू कर दी है, नमाज ही छोड़ेगा, अभी जा रहा हूँ नमाज पढ़ने। वापसी पे घर के लिए सामान लेके जा रहा हूँ, कुछ सामान लेना था घर के लिए, सब्ज़ी और ये मेरी मम्मा के लिए, बस फिर अभी घर चलते हैं सीधा और जाके एसी में सोते हैं, क्योंकि मुझे आ रही नींद बहुत डाढ़ी। अच्छा तो गाइस, सीन कुछ ऐसा है कि मैं दोपहर को फिर सो गया था आने के बाद, और अभी जो है लाइट चली गई क्योंकि आ गई है इधर आंधी, बड़े मज़े की ठंडी ठंडी हवा चल रही है, बादल आए हुए हैं, इंतहाई मज़ेदार मौसम हो गया। अल्लाह तेरी शान तेरी कुदरत के एक दफ़ा फिर तूने हमें ऐसा मौसम दिखाया आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम, मज़ा आ गया कसम से, बहुत ज़्यादा मज़ा आ गया देख के, कैसी मज़ेदार मज़ेदार हवा चल रही है, आए हाय 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 हाय, तेज़ हवा चल रही है, मज़ा आ गया। बादल आए हुए अभी थोड़ी देर में बारिश भी हो जाए, अल्लाह करे बारिश हो जाए, बारिश हो गई तो क्या ही बात है, आज तो मैं नहाऊंगा बारिश में भी, क्योंकि जो गर्मी है तो वाह, गर्मी का कोई तोड़ नहीं है भाई, बहुत ज़्यादा 45 डिग्री गर्मी होती है भाई दिन में, यकीन करो, इतनी आवाज़ आ रही, इतनी बेचैनी, कुछ करने का दिल नहीं करता, ना डाली ये सब इतना हुआ हुआ होता है ना, दिल ही नहीं करता कि बंदा जो है वो कोई काम करे। लेकिन खैर, अब जो है बादल आ गए हैं तगड़े वाले, और अगर तो बारिश हो गई तो नहाएंगे, अब माशाल्लाह पौधे जो है इनको ही पानी देने वाला हो गया, बस थोड़ी देर में इनको ही पानी दूंगा और बस। तो गाइस, बादलों में से एक पता नहीं अजीब सी आवाज़ आ रही है, जैसे इसके अंदर कोई जहाज़ है या कोई फाइटर जेट है, इतनी तेज़ आवाज़ आ रही है, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रही कि है क्या, लेकिन कुछ है, लेकिन हवा बहुत तेज़ है भाई, मेरा मोबाइल ले जाएगी ये आंधी, मेरा मोबाइल ले जाएगी, इतनी तेज़ हवा है कसम से। हाँ, मैं बताना भूल गया, मैं वो चने वगैरह ही पूछने गया था लेकिन वो मुझे मिले नहीं, तो बस फिर अब देखते हैं वो कब मिलते हो, कहते भाई साहब ये मौसम ही नहीं है उन चनों का, मैं चनों का भी कोई मौसम होता है, पता नहीं क्यों नहीं मिले, कहते भाई चनों का मौसम ही नहीं है, कहाँ से मिलेंगे वो, मुझे चाहिए वो पीले चने छोटे छोटे जो कच्चे खाते हैं, जो हम घोड़ों को खाते डालते हैं, घोड़ों के लिए जो होते हैं, जो बस वही समझो। तो भाई साहब फाइनली जो है बारिश शुरू हो गई है, अब आपका भाई इसके अंदर नहाएगा,
हाय 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 बारिशें यूं अचानक हुई। भाई साहब ये देखो भिंडी बीमारी निकल आई है, ये देखो फुल फुल साइज है, इसको बना सकते हैं लेकिन अब एक भिंडी कितने लोग खाएंगे, इनको भी बनने दो। इस पे उधर भी मैं देख रहा था, इस पे मैं देख रहा था, ये देखो गाइस इसके ऊपर भी लगी हुई है, तो ऐसे बनने दो अभी भिंडियाँ, ये देखो ये लगी हुई है, तो लेट देम ग्रो फर्स्ट, फिर आप इसके बाद इसको हम पकाएंगे मजे खाएंगे। क्योंकि हर जानदार को मौत है और इसको भी आनी है। तो अभी बारिश शुरू हो गई है भाई साहब, मैं चाय लेके आया क्योंकि चाय तो लाजमी है, चाय के बगैर दिल लगता, चाय हर हाल में चाहिए आपके भाई को, गर्मी 50 डिग्री हो जाए चाय पिएंगे सिर्फ चाय। अम्मा कह रही है रखी तो हुई है तेरी, जाके ले ले देखो है भाई, चाय तो है भाई, मुझे चाय डालने दो और फिर मिलते हैं, चाय पालू क्योंकि एक हाथ में ही कि शायद मैं एक हाथ से ही डाल लूँ, देखते क्या होता है, आपका भाई कर पाता है? ओ आपका भाई बड़ी आसानी से कर लेगा, आपके हाथ भाई को गर्मी नहीं लगती, गर्म चीज़ें बड़ी काम लगती हैं, आपका भाई हाथ से सब कुछ है। चलो कप ऑफ टी ब्रदर, स्वाद आ गई स्वाद आ गई। चलो चलिए वापस छाते, क्योंकि थले से लैट है नहीं, नीचे बहुत गर्मी है, ऊपर मौसम ठीक है, बारिश में जाएंगे घूम करेंगे चिल करेंगे। पापा ने देखो अपना बाइक किधर रखा, जैसे कोई मुजरम पुलिस से नहीं छुप के खड़ा होता है वैसे ही पड़ा है मोबाइल इधर। तो खैर बारिश शुरू हो गई है और इंजॉय करेंगे, आ जाओ। अच्छा तो यार अभी मैं पीने लगा हूँ ये फालसे का जूस और उसके बाद खाऊंगा खाना, और फिर वर्ल्ड कप का मैच भी लगा हुआ है साउथ अफ्रीका और श्रीलंका का, वो देखूंगा और उसके बाद फिर सो जाऊंगा। तो बस फिर ब्लॉग करते हैं, पे खत्म होगी लाइक द वीडियो आज की, और कोशिश करेंगे कि मज़ीद अच्छा करें अपने ब्लॉग को, अभी के लिए ज़्यादा दीजिए अपने भाई को।